ताजनगरी आगरा में एमजी रोड पर मयूरी और ऑटो का प्रवेश निषेध है, लेकिन मयूरी चालक लगातार एमजी रोड पर फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, जिसमें जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस विकराल समस्या को देखते हुए टीएसआई हरीश चंद्र गौतम ने भगवान टॉकीज चौराहे पर मयूरी पकड़ो अभियान चलाया। आपको बता दें कि ताज नगरी में शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर मयूरी और ऑटो चालकों का प्रवेश निषेध है, जिसके बाद भी मयूरी चालक और ऑटो चालक एमजी रोड पर अपनी मनमानी कर फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं। साथ ही सवारियों को भरने के लिए अपने वाहनों को भी सड़क पर ही खड़े कर देते हैं, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। शहर की सड़कों पर भीषण जाम ना लगे, इसके लिए एसपी ट्रैफिक के निर्देशन में भगवान टॉकीज चौराहे पर अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व चौराहे पर टीएसआई हरीश चंद्र गौतम ने किया। टीएसआई हरीश चंद्र गौतम ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मयूरी और ऑटो पर कार्यवाही की जा रही है, साथ ही मयूरी चालकों से मौके पर समन शुल्क लेकर ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। आगे भी अभियान इसी प्रकार जारी रहेगा। एमजी रोड पर ऑटो और मयूरी का प्रवेश बिल्कुल निषेध किया जाएगा। अभियान चलाया जा रहा है आज, ये उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लगातार एमजी रोड पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों जैसे ई रिक्शा और ऑटो, जितने भी लोडर, इन प्रकार के वाहन जो है जो अवैध रूप से चल रहे हैं, इन पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और चौराहे पे अभियान चलाया गया और कितनी वाहनों के चालान वगैरह काटे आप लोगों ने? आज अभी भगवान टॉकीज पर ही हमारा अभियान चल रहा है और ई रिक्शा जो पकड़े जा रहे हैं उनके जो है मौके पर जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं और सीजिंग की कार्रवाई भी हो रही है, ये लगातार जारी है। भैया एक चीज़ लगातार देखी जा रही है, अभियान चलता है तो ये लोग क्या कहते हैं शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एमजी रोड पर आ जाते हैं, आखिर इनके इतनी कोई सजग कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिससे एमजी रोड पर भी आना ही भूल जाएं ये लोग? जी आपने जैसा कहा कि जो है ये बार बार देखे जाते हैं, लेकिन हम लोग इस पर लगातार अभियान चलाते रहे हैं और चलाते रहेंगे। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चलता रहा है हमेशा और फिर ये लगातार हम लोग करते रहेंगे इस चीज़ को, और जुर्माने भी कटेंगे, सीजिंग की कार्रवाई होगी। हम लोग जब तक ये रोड को पूरी तरह से क्लीन नहीं कर देंगे, साफ नहीं कर देंगे, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।